हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। हमने उसमें कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और मतलब डेफिनेशन, ब्रॉड डेफिनेशन देखी थी, एक्सेप्शंस देखे थे और एक्सेप्शंस के रीजन क्या है वो हमने देखे थे। उसके अलावा हमने ट्रेंड्स जो कि पीरियडिक टेबल में नजर दिखाई देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रिगार्डिंग, वो हमने देखे थे, जो कि मैंने बताया कि दे आर नॉट दैट रिलेवेंट एंड नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज कि आपको बाकी चीज़ें जो की है वो बतानी चाहिए, उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वो ट्रेंड्स। उसके अलावा हमने बात की थी कि हाउ टू कैलकुलेट दी वेलेंसी इफ वी आर गिवन विद दी आयोनाइजेशन एनर्जीज। जैसे कि अगर हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेलेंसी क्या होगी उस एलिमेंट की। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अब फ्रेंड्स, बेसिकली अगर हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो डेफिनेशन कहती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इन गैसियस स्टेट एंड गैसियस स्टेट शुड बी आइसोलेटेड। अब इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि एनर्जी हमें देनी पड़ती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन गेन जैसे कि वर्ड है तो इलेक्ट्रॉन गेन से हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एटम, एटम ही गेन करेगा, मैं और आप तो गेन नहीं करेंगे। एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करता है तो इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी और वी नीड टू एड सम एनर्जी टू द एटम सो दैट इट अब्सॉर्ब्स दैट और टेक्स दैट इलेक्ट्रॉन इनटू इट। सो ये चीज है। बट मैंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो लिखी है वो ये है कि रिलीज इन जनरल केसेस एंड अब्सॉर्ब्ड इन सम केसेस। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर अब्सॉर्ब होती है। अब वो कौन कौन से केसेस हैं वो हम देखने वाले हैं। अब इसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट हमारे अंदर एक क्वेश्चन आता है कि हमने देखा था कि हमें पता है, मतलब हमें बताया गया था आज तक कि जो एटम होता है उसको जैसे कि अगर आप बात करें सोडियम एटम की फॉर एग्जांपल, तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। सो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है हमें समझना कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं होता है। डोनेशन तो मीन्स वो हुआ ना कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कोई चीज़ डोनेट करते हैं, वी आर गिविंग दैट बाय आर चॉइस, हम लोग अपनी मर्जी से उसको दे रहे हैं। नोबडी इज यू नो गिविंग अस समथिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट, वी आर नॉट गेनिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट। बट एटम क्या करते हैं, उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है सो दैट इट गिव्स आउट दैट एटम। डोनेशन कभी भी नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर, चाहे वो भाई क्लोरीन एटम हो या फिर सीशियम या फ्रांसियम एटम हो। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है इसके अंदर एनर्जी हमें या तो देनी पड़ेगी या फिर एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अब वो कौन कौन से जो डिफरेंस आएगा, ऐसा क्यों है कि कुछ केसेस में हमें रिलीज हो रही होगी एनर्जी और कुछ में अब्सॉर्ब हो रही होगी। अब इसके लिए हम लोग अगर एक एनालॉजी लिए ये कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो और आपके फ्रेंड को वो थोड़ी कम पसंद है, बट पसंद दोनों को है, तो अब क्या होगा अगर आपका फ्रेंड जो है ना, अब आप लोग को बोला गया कि एक दो पेज का ऐसे लिख के लाओ उसके बाद में फिर आपको ये मिलेगा। नहीं, ऐसा हो कि आपको ऐसे लिखना है और जो ज़्यादा पेजेस लिखेगा उसको ये चीज़ मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट की बात हो रही है, पेन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली आपके फ्रेंड के पास में ज़्यादा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन होगा उस काम को करने का। सो देर आर हाई चांसेस कि वो इंसान जो है आपका फ्रेंड वो उस काम को करे जबकि आप या मैं वो ना करें। सो इन द सेम केस जिस एटम को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की वो उसके लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करने को तैयार होगा, और जिस एटम को एटम की इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसके पास में पहले से इलेक्ट्रॉन है। इनफैक्ट एक्चुअली अगर मैं लिटरल मीनिंग के पे जाऊँ तो ये मीनिंग है कि अगर एटम स्टेबल है तो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, या फिर उसको ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर मतलब एमिट करे या फिर वो लूज करे। और ऐसे कौन से एटम्स होते हैं ये हमें पता है कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर नोबल गैसेस एंड दे आर हाईली स्टेबल। उसके अलावा भी कुछ हैं जैसे कि नाइट्रोजन, जिंक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैडमियम। अब ये जो चार पांच नाम है ये हमें याद रखने और याद रखने ही होंगे, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट।
इनको आप बार बार देखते रहेंगे एंड यू विल बी एबल टू यू नो आपके दिमाग में अपना बैठ जाएगा कि ये चीज है। जैसे कि मैं मेरे को अब याद हो चुका है बार बार उसके उस क्वेश्चंस के थ्रू और नोट्स के थ्रू गो थ्रू होते हुए मेरे को याद हो गया कि कौन कौन से है, नाइट्रोजन, जिंक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैडमियम और ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि नोबल गैसेस हैं। तो ये क्या है, इनकी अगर हम बात करें तो ये इनकी जो आयोनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमें इनको एनर्जी सिस्टम में देनी पड़ेगी सो दैट दे यू नो टेक दैट इलेक्ट्रॉन। हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस एटम को, उस एलिमेंट के एटम को, सो दैट इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन। बाकी केसेस में जो एनर्जी होती है, एनर्जी चेंज होता है एंथैल्पी इन इलेक्ट्रॉन गेन, वो नेगेटिव आता है। यानी इनके अलावा ये जो मैंने फाइव एलिमेंट्स लिखे हैं इनके साथ में नोबल गैसेस है, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब वो एनर्जी रिलीज करेंगे जब उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वेरी सिंपल, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन या एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल है कि हमने एक ऑक्सीजन आइटम लिया और ऑक्सीजन आइटम को एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब इलेक्ट्रॉन लेने पर ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इस केस में तो है नहीं, दैट मीन्स इट विल रिलीज द एनर्जी, और वो एनर्जी रिलीज करेगा और क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव यानी ओ नेगेटिव एनायन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने गैसियस स्टेट मेंशन किया है। क्यों, क्योंकि गैसियस स्टेट में ही होना चाहिए। इसके बारे में मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बात की थी कि आइसोलेटेड इसलिए होना चाहिए सो दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग, जो हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज या फिर हम लोग का जो फाइनल वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी है वो बिल्कुल भी डिस्टॉर्टेड ना हो। अगर सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब्ड होगा और अंदर बाकी डिस्ट्रैक्शन होंगे एटम के लिए, डिस्ट्रैक्शन आई मीन नॉट लिटरली डिस्ट्रैक्शन बट द थिंग्स लाइक कि आजू बाजू कोई रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है और हमारा एटम उसके बीच में पड़ा हुआ है और हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो यार विथ कॉमन सेंस जो वैल्यूज हैं वो हमारी एक्यूरेट नहीं आएंगी, क्योंकि जो साइड वाला सिस्टम है उसकी भी जो क्या कहते हैं एनर्जी है दैट माइट हैपन कि वो जो एनर्जी है इट विल गेट ट्रांसफर्ड। एनर्जी ट्रांसफर इज वेरी फ्रीक्वेंट अमंग दी यू नो नानो मॉलिक्यूल्स, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। दैट इज वे हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि हम लोग उनको आइसोलेटेड ना रखें और ग्रुप में जस्ट कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। एंड गैसेज क्यों रखते हैं, जस्ट टू यू नो स्टैंडर्डाइज दी थिंग्स, कि अगर कोई भी इंसान अगर एक्सपेरिमेंट करे, मैं भी एक्सपेरिमेंट करूँ या फिर आप एक्सपेरिमेंट करें या कोई भी एक्सपेरिमेंट करे, तो उन सबका जो मतलब एक बेस हो वो ये हो कि गैसेस स्टेट में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। क्योंकि जो वैल्यूज है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में और गैसेस में, वो तीनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी। तो जस्ट टू स्टैंडर्डाइज की सब इसी में एक्सपेरिमेंट करें और जो वैल्यू आएगी वो इसी पर मतलब इसी के अंदर ली जाएगी, हम लोग इसी में वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे स्टेट में। दैट इज वाई गैसेस स्टेट रखा हुआ है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सोडियम का। अब आप कहोगे यार सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करता है, वो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो देने को तैयार होता है, मतलब इट इज यू नो एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो डोनेट वाले तो मैंने आपको बता दिया कि नो एलिमेंट वॉन्ट्स टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। बट द थिंग इज कि सोडियम जो है ना, या कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट दीज, दे आर हंग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी टू गेट दोज इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वाई दे रिलीज एनर्जी। व्हेन द एटम्स आर हैप्पी फॉर समथिंग दे रिलीज एनर्जी, दैट्स इट। इसको ऐसे सिंपल आप याद रख सकते हैं। तो सोडियम में सेम केस है कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने पे हैप्पी, मतलब हैप्पी है वो, सोडियम नेगेटिव एनायन फॉर्म कर रहा है एंड इट इज रिलीजिंग एनर्जी, क्योंकि वो इस केस में तो है नहीं। तो सोडियम जो है ना, या कोई भी एलिमेंट जैसे कि पोटेशियम भी, या ग्रुप वन ग्रुप टू के जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट दिस बेरिलियम और मैग्नीशियम इन ग्रुप टू, वो क्या करेंगे, वो एनर्जी जो है वो रिलीज करेंगे। दैट मीन्स कि एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट दीज आर हैप्पी टू गेट दी इलेक्ट्रॉन। और ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम लोग बेसिक उस पर जाएं तो हमें पता है एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जो मास होता है वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, जो मास ऑफ द एटम होता है वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज वो भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है सेंटर में, और आजू बाजू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अब अगर आपको पता स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आपने पढ़ा हो तब आप समझ पाओगे कि
मैंने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया, दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब यार विद कॉमन सेंस, अगर अगर आप दिमाग लगाओ तो वही प्रेशर वाली बात होगी कि फोर्स अपॉन एरिया, कि अगर हम लोग फोर्स सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक यू नो ऑन अ सरफेस, एंड फोर्स सेम है बट द सरफेस एरिया इज डिफरेंट। अब अगर मैं अपने पेन से, अगर थोड़ा पॉइंटेड पेन है, इफ आई यू नो प्रेस इट, इट विल गेट प्रिग्ड, मतलब देयर विल बी समथिंग मिस हैपनिंग, सो इसलिए मैं ये ले लेता हूँ। अगर कोई भी पेन है एंड अगर मैं उसको ऐसे करके आई जस्ट यू नो प्रेस इट विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि मैं अभी दूसरे केस में अप्लाई करूंगा, सो द फील की मतलब जो उस एरिया पर, उस पर्टिकुलर रीजन पे जितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर रीजन पे, वो बहुत ज्यादा होगा इससे कि आई जस्ट यू नो पुट माई हैंड लाइक दिस। सो सेम केसेस हियर, कि क्या होता है जो कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस स्कैटर्ड चार्ज। स्कैटर्ड चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड इज इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज। दैट इज वाई क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम की तरफ आता है, एंड एटम्स लाइक टू यू नो टेक द इलेक्ट्रॉन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रुप वन वाले एक्सेप्शनल हैं और एक्सेप्शन है, और ग्रुप वन जो है वो सिर्फ डोनेट करने वाला काम करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला लूज करने वाला काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर एटम को ये एक बहुत बड़ा यू नो इट इज अ बिट इट वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट एट दैट टाइम की सर हमें बता रहे थे, बट आई एम अब यू नो प्रिटी कंफर्टेबल विद दैट। तो आप भी इसको अगर थोड़ा सा, अगर आपने स्कूल में सुना हो तो आप इसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकते हैं कि जो एटम है उसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उसको यार स्टेबल होना है, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है ना न्यूक्लियस के हिसाब से काम होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास है, पूरी क्लास है, उसमें टीचर चाहता है कि कोई बच्चा बाहर जाए तो वो बच्चा बाहर जाएगा, कोई टीचर चाहता है कि कोई बच्चा मतलब क्लास में बैठे एक्स्ट्रा तो बैठेगा, मतलब भले ही अगर क्लास के अंदर सारी बेंचेस भरे हुए हो टीचर वुड यू नो ट्राई टू एडजस्ट दैट चाइल्ड, और जो इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जाम्पल जी स्टूडेंट्स दे वुड बी एबल टू यू नो रिवोल्ट इन दैट कंडीशन, और वो दे वुड बी एबल टू डू एनीथिंग मच इन दैट कंडीशन। तो सेम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि यार जो एटम में जो भी चीज़ें हो रही होंगी वो न्यूक्लियस के हिसाब से हो रही होंगी, ओके, नॉट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिपल्शन प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट वो थोड़ा सा दूर रहे एटम से, अदरवाइज आएगा तो एटम के अंदर ही, बिकॉज इट इज द न्यूक्लियस हु कंट्रोल्स दी यू नो थिंग्स हैपनिंग इन दी सराउंडिंग। देन अब यार मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है ना, ये वाला टॉपिक थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट बेस्ड है। जैसे कि हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखा था, वो उसमें कुछ चीजें जो थी देवर विद दैट लॉजिक जो कि हम लोग समझ पाए थे एंड वी आर एबल टू यू नो कोरिलेट दी थिंग्स, बट इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम लोग यार ऐसे विद द लॉजिक जा पाए। देर आर थिंग्स दैट आर टू बी मेमोराइज एंड देर आर थिंग्स दैट आर फैक्चुअल, और फैक्ट्स हमें अपने आप यार याद हो जाते हैं, उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं मिलती। तो फैक्ट्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देर आर बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, दैट आर की ग्रुप 17 एलिमेंट जो होते हैं दे हैव हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ई जी, और मैंने आपको मैं अगर आपको बताऊं तो डेल्टा ही चीज जो है इसका सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का। सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो होते हैं इनका हाईएस्ट मैग्नीट्यूड होता है ऑफ द डेल्टा एच ई जी। व्हाई? क्योंकि ग्रुप 17 एलिमेंट्स में हैलोजन आते हैं, और हैलोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना स्टेबल यू नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप इन जनरल कह सकते हैं ग्रुप 2 के अंदर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हो तो ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं अपना आराम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। या ग्रुप 17 अगर इन जनरल अगर हम लोग देखें तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई ग्रुप 17 जो होते हैं दे आर वेरी यू नो ग्रीडी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, दे जस्ट वांट इलेक्ट्रॉन्स के यार हमें दे दो इलेक्ट्रॉन्स एंड वी विल गिव एज मच अमाउंट ऑफ एनर्जी एज यू वांट।
तो ग्रुप 17 एलिमेंट सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं ऑन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. देन क्लोरीन हैज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी. वाई? अब इसका इसमें हो सकता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन होता है, हमने पढ़ा था यार, मतलब फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जबकि क्लोरीन इतना ज्यादा नहीं अट्रैक्ट करता. बट अगर यहाँ पे देखें तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव आ रही है, जबकि फ्लोरीन की आनी चाहिए थी. ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज यार अब देखो, अब आपको डोसा तो बहुत ज्यादा, डोसा फॉर एग्जाम्पल यू लाइक डोसा वेरी मच, बट अगर आप दोपहर में बहुत यू हैव यू नो हैड योर लंच एंड आपने खाना खा लिया तो उसके बाद में आप डोसा एक लिमिट तक ही खा सकते हैं, थोड़ा सा डोसा खा सकते हैं, जबकि यू मे बी हैविंग दैट कैपेसिटी ऑफ ईटिंग अ कम्प्लीट डोसा. बट अब जबकि आपकी कैपेसिटी ही नहीं है कि आपने लंच कर लिया है अच्छे से एंड आफ्टर दैट आई एम गिविंग यू दैट डोसा, सो हो सकता है आप उसका कुछ ही पार्ट खा पाए. इन द सेम मैनर जो फ्लोरीन होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, और छोटे से इसी कारण व्हाट हैपेंस इज कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा आसानी से, जबकि क्लोरीन जो है उसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है और उसके पास में स्पेस भी है. दैट इज वाई सिंपली क्लोरीन जो होता है इट रिलीजेस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. वेरी सिंपल. ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव द लोएस्ट डेल्टा एच ई जी. अब इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि हमें पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैसेस की दैट इज वेरी स्टेबल, और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना कम उतना ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा टू मेक दी सिस्टम अनस्टेबल. फॉर एग्जांपल जो P6 कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैंने आपको कल बताया था कि P6 कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इट इज एक्सेप्शनली स्टेबल, इट इज वेरी स्टेबल. सो P6 से इलेक्ट्रॉन निकालना या P6 के बाद में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इज डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट. बेसिकली अगर हम लोग केस लें हीलियम का, तो हीलियम का अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर केस लें तो हीलियम के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं सो वी नीड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन दी 2s एंड 2s जो है ये फिल्ड है कम्प्लीटली फिल्ड, तो इसमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट इट मूव्स टू 2p1 कंडीशन. इस कंडीशन में हमें उसको बनाने के लिए वी नीड टू ऐड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. इन द सेम वे नियॉन का जिसका P6 कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड में, उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेज के अंदर तो हम लोग को यार बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी टू चेंज दैट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो P6 होता है या फिर जो कम्प्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है. जैसे कि नाइट्रोजन जो एक एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है P3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और P3 कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड होने के कारण इट इज स्टेबल. दैट इज वाई ये स्टेबिलिटी के कारण हमें इसको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ रही है. दैट इज वाई दी वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी इज पॉजिटिव. अब विद दी पॉजिटिव वैल्यू, हाँ पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी बेसिकली, क्योंकि हमें यार ऐड ही करनी पड़ेगी एनर्जी जस्ट टू यू नो ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन दी ग्रुप 18 एलिमेंट जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, क्योंकि वो यार स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है उनके अंदर, वो चाहते ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेना, तो आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और जबरदस्ती करने के लिए यू नीड टू गिव दी एनर्जी. अब अगर कोई एटम शांति से नहीं मांग रहा है, इट इज नॉट गिविंग विद यू नो इट इज नॉट एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन बाय इटसेल्फ, वी विल फोर्स दैट, वी विल बी एबल टू फोर्स दैट एटम टू गेन दी इलेक्ट्रॉन. एंड इन दी सेम मैनर ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स है इनके साथ वही होता है, हम एनर्जी ऐड करते हैं एंड दैट इज व्हाई ये उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको गेन करते हैं. अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन की. कंक्लूजन नहीं है बेसिकली, एक रिजल्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए और याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. अब इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जितनी वैल्यू हमारी इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी होगी, यानी जितनी हमें एनर्जी मिल रही होगी एटम से, जितनी एनर्जी हमें मिल रही होगी इन प्रोवाइडिंग एट दी इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, एक एटम जितनी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा उसी मैग्नीट्यूड के इक्वल एनर्जी जो है वो लगेगी टू यू नो ऐड दैट इलेक्ट्रॉन इनटू दैट एटम. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक
ऑक्सीजन है, अगर हमें ऑक्सीजन के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बी सेम केस, ऑक्सीजन के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो फॉर एग्जांपल हमें जो एनर्जी है वो एनर्जी ऐड करनी पड़ रही है 141 किलो जूल पर मोल, 141 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ी, ये एग्जांपल में बता रहा हूँ, इतनी एनर्जी हमें इसको देनी पड़ रही है, सॉरी इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है फॉर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, अगर मेरे को ऑक्सीजन ओ नेगेटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन देना है, आई नीड टू ऐड एन हाँ ऑक्सीजन के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, जो ऑक्सीजन था उसने 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज की। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन जो है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, ऑक्सीजन की लास्ट जो सबशेल है उससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, एंड जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा सो द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू प्लस 141 किलो जूल पर मोल। ओके इसका ये मतलब हुआ, ये जो स्टेटमेंट है इसका ये मतलब है कि जितनी एनर्जी मुझे एटम से मिलेगी या एटम रिलीज करेगा ऑन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आई विल हैव टू प्रोवाइड इट सो दैट इट यू नो द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ इट, वेरी सिंपल। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने लिखा है कि मॉड ऑफ डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई, यहाँ पे मॉड का मीनिंग यही है कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यानी डेल्टा एच ई जी अगर हम लोग का -141 किलो जूल आ रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी हमारा +141 आ रहा है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी विदाउट कंसिडरिंग द साइन इट इज द सेम 141, द वैल्यू और द मैग्नीट्यूड फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आप उसको याद रख सकते हैं, एंड दी क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट फ्रॉम दिस थिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच ई जी। अब कुछ दो ही मैं अगर स्पेसिफिक रहूं तो दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, ऑक्सीजन वाला ग्रुप और एक हैलोजन वाला ग्रुप, जिनके लिए हमें ऑर्डर थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रैंडम है तो हमें आराम से हम लोग दिमाग में रख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि क्या होता है कि ग्रुप 16 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है उसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है, सल्फर की एंथैल्पी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, देन कम सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम, एंड एट द एंड इज ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन जो होता है इट इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन इन ग्रुप 16। इसको आप बस ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रुप 16 में सबसे ऊपर होता है, बट वो सबसे कम एनर्जी रिलीज करता है, सबसे कम एनर्जी रिलीज करता है ऑन गिविंग द इलेक्ट्रॉन, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, बाकी ऑर्डर जो है वो नॉर्मल ऑर्डर है जो कि हमें जिस तरीके से याद है। ग्रुप 17 हैलोजेंस, हैलोजेंस के अंदर एक जो चेंज आता है वो क्या है वो मैंने आपको बताया, जैसे कि ग्रुप जो क्लोरीन होता है क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है ऑन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू फ्लोरीन ड्यू टू द डिफरेंस इन द साइज, तो इसीलिए क्या होता है कि क्लोरीन जो है इसका डेल्टा एच ईजी की वैल्यू जो है वो ज्यादा आती है फ्लोरीन से, एंड फिर जो नॉर्मल ब्रोमीन आयोडीन और एसिटीन वाला ये सीक्वेंस वो कंटिन्यू रहता है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है और ट्रेंड की अब हम लोग ब्लैंक शीट पे बात करें, सो आई होप आपको इसके अंदर ये चीजें क्लियर होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बच गई वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आई वुड टेल यू कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नॉट वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दो इट इज अ बिट सिमिलर और बिट ऑन द सेम वे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप इसको ऐसे याद रखें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट अफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, डू नॉट कंफ्यूज इट विद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड वरना हम लोग ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। ट्रेंड्स बेसिकली मैं आपको फिर से वही कहना चाहूंगा कि ट्रेंड जो है उसको ज्यादा मतलब उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है कि
ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे भी ऐसा आता है कि ट्रेन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ट्रेन चेंज हो जाता है, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ट्रेन चेंज होगा, द थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। जैसे कि टेंथ में थी कि हम लोग ट्रेन याद कर लेते थे कि ऐसा होता था ऐसा होता है, और क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग वे अप्लाई करते थे एंड दी आंसर गोज करेक्टली। बट ऐसा नहीं होता है, हर जगह ऐसा नहीं होगा, बिकॉज मैंने आपको दो केसेस तो बताया, ग्रुप 17 और ग्रुप 16 वाला, जिसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत आगे पीछे आ रही है। इनफैक्ट एक तो केस ऑक्सीजन वाला ऐसा भी था कि ऑक्सीजन टॉप पे होने के बावजूद जो है वो लास्ट में आ रहा है, बाकी ऑर्डर जो है वो कंटिन्यू हो रहा है नॉर्मली। तो आप इसके अंदर तो कोई ट्रेंड ही नहीं बोल सकते ना, इसमें आप क्या ट्रेंड बोलोगे कि ऑक्सीजन जो है वो ऐसे एंड इसमें कोई ट्रेंड नहीं एग्जिस्ट करता है। दैट इज आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ट्रेंड को ज्यादा दिल पे लें, बट जस्ट कीप इन माइंड कि ऐसा ट्रेंड होता है इन जनरल, सो दैट अगर कोई नॉन एक्सेप्शनल केस आता है, जनरल केस आता है, तो उसके अंदर आप ट्रेंड अप्लाई करके यू कैन गेट द आंसर। अब अगर हम लोग सेकेंड पीरियड लें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नोबल गैस के हम लोग बात नहीं करेंगे, या चलो ठीक है नोबल गैस जो है उसके हम लोग बात नहीं करेंगे। लिथियम, देन सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीशियम एंड फ्रांशियम लिखेंगे, इतने की बात करते हो। सो लिथियम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लिथियम तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। देन बेरिलियम, अब अगर आप देखते जाएं हम लोग आज अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी हम लोग बात नेक्स्ट लेक्चर में उसे करने वाले हैं, बट जो आप एक बेसिक प्रिंसिपल जो कि आपको आज तक पता है वो इसमें जितना मैं बता रहा हूँ उसमें काम आ जाएगा। सो लिथियम से अगर हम लोग राइट में मूव करें यानी अक्रॉस दी पीरियड अगर हम लोग मूव करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि जो एटम्स होते हैं उनकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होते जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन के लिए दे आर यू नो दे विल बी हैप्पी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई डेल्टा एच ईजी की वैल्यू इट इंक्रीजेज अक्रॉस दी पीरियड, इंक्रीजेस अक्रॉस दी पीरियड डेल्टा एच ईजी। एंड डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो यार साइज इंक्रीज हो रहा है और साइज इंक्रीज हो रहा है इन जनरल, तो क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, हो सकता है कि एनर्जी ना देनी पड़े तो जो एनर्जी रिलीज हो वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो, दैट इज व्हाई डाउन द ग्रुप दिस डिक्रीजेस। ओके, डाउन द ग्रुप डेल्टा एच ईजी की जो मैग्नीट्यूड होता है इट डिक्रीजेस एंड अक्रॉस द पीरियड डेल्टा एच ईजी इंक्रीजेस, व्हाई, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड अगर हम लोग मूव करते हैं तो जो एटम्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन दे आर डिमांडिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अगर वो डिमांड कर रहे हैं दैट मींस दे विल बी हैप्पी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन दे आर हैप्पी टू गेन द इलेक्ट्रॉन दे विल बी रिलीजिंग मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एटम। और डाउन द ग्रुप इसलिए डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज हो रहा है दैट मींस कि एटम का साइज बड़ा है और एटम के अंदर पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्लास इतनी ज्यादा ओवरफिल्ड है, मैंने आपको जैसे क्लास का एग्जांपल दिया तो क्लास इतनी ज्यादा ओवरफिल्ड है कि कोई आ भी नहीं सकते हैं। आप मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसके अंदर क्लास के अंदर मतलब सारे स्टूडेंट्स खड़े भी हैं एंड देयर मतलब बेंचेस भी फिल्ड है, एंड इन दैट केस इन दैट सिनेरियो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द एटम टू टेक द इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई एनर्जी जो होगी हम लोग एज वी मूव डाउन द ग्रुप एनर्जी चेंज जो होगा वो कम होगा, यानी जो मैग्नीट्यूड आएगा एनर्जी जो रिलीज होगी या फिर एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी इट विल बी वेरी लेस, सो दैट इज व्हाई डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इस ट्रेंड को मैं एक बार रिपीट करूंगा, ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड यार हम रेडियस से या विद कॉमन सेंस अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम आराम से देख पाते हैं कि किस तरीके से जो है वो ट्रेंड चल रहा होगा, रेडियस के अंदर हमें साफ साफ नजर आता है। अगर रेडियस के ट्रेंड की बात करें तो रेडियस का ट्रेंड ये है कि डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस एंड अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि यार इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन शेल तो उतना ही है,
तो उतने ही शेल के अंदर अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे दैट मीन्स कि साइज छोटा होगा भाई, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो और उसके साथ ही क्या होगा कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग जो पढ़े, स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं छोड़ देता हूँ बिकॉज वो हो सकता है कि हमने उतना ज्यादा कंसिडर ना किया। स्क्रीन इफेक्ट की अगर हम लोग ना बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लास्ट में जो रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, वो उसको वी जस्ट यू नो साइडलाइन इट। और क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो अगर ज्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये केस लें जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, अब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है दे आर गुड इनफ, बट द थिंग इज कि यार प्रोटॉन भी तो उतने ही है उसी हिसाब से। तो प्रोटॉन जो है दिल इस तरीके से, अगर ये लिथियम का एटम, तो इलेक्ट्रॉन अगर मैंने यहाँ पे एक रखा और फिर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रख दिए, तीन और चार, चार इलेक्ट्रॉन होते क्या होगा कि यहाँ पे भी चार प्रोटॉन तो बढ़ गए ना, जैसे ही एटम मैंने चेंज किया तो चार इलेक्ट्रॉन और चार प्रोटॉन और बढ़ गए। दैट मींस द नेट अट्रैक्शन ऑफ द लास्ट शेल और द वैलेंस शेल विल इंक्रीज। दैट इज व्हाई कि जो शेल है वो इनवर्ड्स मूव करेगा, और इनवर्ड मूव कर रहा है दैट मींस सिंपली जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा होगा। सो दैट इज व्हाई हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो रेडियस का साइज जो होता है एटम का वो डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि मैंने शेल ही स्टार्ट कर दिया ना। अब जब मैंने यहाँ पे एट इलेक्ट्रॉन्स कर दिए और उसके बाद मेरे को नेक्स्ट शेल के अंदर मूव करना है, तो नेक्स्ट शेल में मूव करते मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन आया बट वो नेक्स्ट शेल में, और नेक्स्ट शेल ऐड करते ही द रेडियस ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। दैट इज व्हाई डाउन द ग्रुप जो है वो रेडियस इंक्रीज होता है। एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इट इज राइट अपोजिट टू इट। अक्रॉस द पीरियड इट इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आई होप टू सी यू देयर। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो यू मे पोस्ट इट इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर इट क्वेरीज। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।